सो ये लो जी, हम आ गए दिल्ली परिवहन निगम डॉक्टर अम्बेडकर टर्मिनल दिल्ली गेट, और ये यहाँ से मिलती है वॉल्वो एसी बस कहाँ के लिए? नेपाल के लिए। तो यहाँ पे बस तो चलेगी 10 बजे, लेकिन एक डेढ़ घंटे पहले जाना चाहिए, बिकॉज सामान की चेकिंग होगी और कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो चलिए स्टे ट्यून, मैं आपको आज इस जर्नी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बस का वेट करते हैं, प्लस लाइन में लगते हैं। जिसका था हमें इंतज़ार वो बस आ गई। तो ये है बस आपकी भारत नेपाल मैत्री बस, ये आप देखिएगा, ये है बस। तो अभी बजे हैं 9:15, बस निकलेगी 10 बजे, तो ये 9:15 बजे आके लग गई है। अब यहाँ पे सीटिंग वगैरह पूरा आपका होगा, ये देखिएगा। और ये है वॉल्वो बस, और मैं सीरीज़ बता देता हूँ वॉल्वो बस की कौन सी सीरीज़ है। यस, ये है आपकी 9400। तो 9400 लेटेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट अच्छी वाली सीरीज़ है, मतलब आपका वर्ल्ड क्लास लेवल की सीरीज़ है जो आपकी आपका चलेगा इसमें। चलिए स्टे ट्यून, जैसे बैठेंगे और मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आपको, अभी मैं रिवील नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद में आप खुद ही जान जाओगे, क्योंकि नहीं अभी नहीं बताऊंगा, वेट करते हैं। ई वॉज रियली गुड रिवील, एंड यू कैन सी USB चार्जर एंड सीट वॉज रियली गुड, कंफर्टेबल है लॉन्ग जर्नी के लिए है। ओपोज बाई पो सेट और 2x2 है। ये किसका है? और भैया जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ सरप्राइज है गाड़ी के चलने के टाइम पे, तो गाड़ी में हूटर लगा हुआ है, हूटर गया बज। और इसकी जो खासियत है, अभी मैं वैसे PCR वैन तो देख नहीं पा रहा हूँ, बट इसको PCR वैन एस्कॉर्ट करती है। और आपको आएगी बड़ी फीलिंग, वो रही हमारी PCR वैन। तो ये गाड़ी हमें एस्कॉर्ट करेगी नोएडा तक, नोएडा के बॉर्डर तक, या ये बोलो दिल्ली बॉर्डर तक है। तो बड़ी VIP वाली इसमें फीलिंग आती है। थोड़ी थोड़ी VIP वाली फीलिंग आ रही है। रिकॉर्ड कीजिए पूरा। यस यस, नहीं नहीं ये नोएडा बॉर्डर तक जाएगी, दिल्ली बॉर्डर खत्म होते ही वहां से वापिस हो जाएगी। तो वाकई में एक बड़ी VIP वाली फीलिंग आती है, और ये इस वजह से है बिकॉज ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के मैत्री है संधि में ये बस चली हुई है। 3 दिन ये यहाँ से चलती है और 3 दिन वहाँ नेपाल से चलती है। मंडे वेनसडे और फ्राइडे ये चलेगी इंडिया से, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे ये वहाँ से नेपाल से चलती है। और एस्कॉर्ट करने का दिस इज ओनली द रीज़न बिकॉज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, कंट्री टू कंट्री कनेक्टेड है। नेपाल प्राइवेट बस से भी जा सकते हो, और वो बसेज आपको मिलती है मजनू का टीला, सरोजनी नगर, पकौड़ा मार्केट, कहीं से भी जा सकते हैं। बट जो मज़ा अपनी DTC की बस में है, वो भी वॉल्वो 9400 सीरीज़ की बस है और एडवांस वॉल्वो बस है, उसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। चले तो आप कैसे भी जाओ, बट जो प्रोटोकॉल आपको इस बस में मिलता है वो देखने को कहीं भी नहीं मिलता है। दिल्ली बॉर्डर, और ये एस्कॉर्ट यहीं तक रहेगा, और ये आगे से ये चला गया आपका, और हम सीधे चले जाएंगे। बाय बाय एस्कॉर्ट सर्विस।
अभी हमारी गाड़ी दिल्ली से चली है 10 बजे तक शाम तक हम काठमांडू पहुँचेंगे। इसी बीच हमारी गाड़ी कई जगह रुकती है, टोल निवासन के लिए, होटल्स पे, इमिग्रेशन के लिए कस्टम होता है, मंसार होता है। कल सुबह हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, रात में पहुंच जाते हैं बॉर्डर। बॉर्डर सुबह 6 बजे खुलता है, सबसे पहले इंडियन इमिग्रेशन होता है, फिर कस्टम होता है गाड़ी का, फिर उसके बाद अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो पहला ब्रेक आ गया है दिल्ली से चल के इंडो नेपाल वॉल्वो DTC बस। ये रुकी है वृंदावन हाईवे पे, इसका है और ये है शिवा ढाबा मामा यादव के नाम से है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है ये अरेंजमेंट। और ये रही हमारी बस और ये रहा शिवा ढाबा। तो पहला ब्रेक इन्होंने दिल्ली से चल के दिया वृंदावन में। चलिए स्टे ट्यून, आगे बताऊँगा नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे रखेंगे ये। ये जा रही बस जो नेपाल वालों की तरफ से जा रही है, ये इसका AC ख़राब हो गया था बट अभी ठीक हो के ये हमारे साथ साथ आ गई। ये भी सुबह ही निकली थी, ये सुबह किस टाइम निकलती है? वाराणसी। अच्छा ये वाराणसी से आई है, ओके। हाँ हाँ ये वाराणसी से आई हुई है, इधर से थोड़ी आएगी वाराणसी। सुबह के बजे हैं 6:30, हम पहुंच चुके हैं सोनाली बॉर्डर पे। ये रही है हमारी बस और ये आ गया हमारा इमिग्रेशन। मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि इमिग्रेशन में अलाउड नहीं है और होने भी नहीं चाहिए। तो ये पहला स्टेप है, अभी इंडियन इमिग्रेशन होगा, आगे फिर कस्टम होगा और कस्टम के बाद सिक्योरिटी चेक जो यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल SSB के जवान करेंगे, सामान खुलवा के देखेंगे, तो इंडिया वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। जब हम पहुँचेंगे नेपाल में तो वहाँ पे होता है भंगार इज इक्वलेंट टू ऑफ इंडिया इज़ अ कस्टम। फिर वहाँ पे भी इमिग्रेशन होगा, वही स्टेप वहाँ भी चलेगा। तो इस तरह से ये हमारा सोनाली बॉर्डर होता है। मैंने देखा कई बार लोग बात करते हुए कि बॉर्डर पार करना बड़ी टेंशन से लेते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ होता नहीं है। इफ़ यू हैव द डॉक्यूमेंट कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए चाहिए ना। पॉइंट क्या होता है कि लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड ले जाएंगे, नहीं चलता ना भाई, सबको पता है। तो अगर नेपाल जाने के लिए इधर यू हैव पासपोर्ट, इट इज़ 100% वैलिड, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए वैलिड है। अदरवाइज़ आपके पास अगर वोटर ID कार्ड है जिससे आप वोट देते हो, अगर वोटर ID कार्ड है तो वो भी एप्लीकेबल है, बट आधार पैन कार्ड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो इंश्योर करें कि या तो आप वोटर ID कार्ड लेके आएँ या फिर आप अपना पासपोर्ट लेके आएँ। चलिए आगे मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा जैसे भी स्टेप बाय स्टेप होगा। ये है हमारा इंडिया का गेट और ये है हमारा नेपाल का गेट। ये इंडिया है और ये हमारा नेपाल है। और मैं अब जा रहा हूँ ये, और इस बॉर्डर का नाम है सोनाली बॉर्डर है। अगर आप देख रहे हैं ये पीछे इंडिया का गेट है और मैं अगर ऐसे दिखाऊँगा तो ये नेपाल का गेट है। तो ये ऐसे चला जाता है यहाँ से, ऐसे जाके और ये पूरा सीधा नेपाल का गेट में जा रहा है। ये देखिएगा नेपाल का गेट। आज नेपाल में न्यू ईयर है और इसकी वजह से यहाँ पूरा मेला लगा हुआ है नदी के किनारे पे। ये देखिए लोग सब यहाँ गर्मी हुए हैं, न्यू ईयर मनाने आए हुए हैं, बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम साइट पे जाएंगे, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की साइट है अपनी dtcbooking.in पे। देन ये एक विंडो आ जाएगा, इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वन वे या टू वे जो भी है वो आपकी चॉइस है, यहाँ दिल्ली यहाँ काठमांडू, और डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने 25th रखी। उसके बाद सीट वन सर्च किया और यहाँ पे नेक्स्ट विंडो आ गई, और देखो प्राइस यहाँ पे आ गया आपको 2800 रुपीज़। और फिर इसके आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हमें बस का पूरा लेआउट आ जाएगा कि कितनी सीटें इसमें भरी हुई हैं, कितनी खाली हैं। तो जो ग्रे कलर की हैं वो हमारी एम्प्टी सीट हैं, वैकेंट सीट हैं। तो आप कोई भी एक यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, मैंने जैसे 8A कर ली और देन बुक कर दिया। इसी तरीके के बाद ये बस हमें मिलती है अम्बेडकर टर्मिनल से, और हमें ड्रॉप करेगी ये स्वयंभू मंजूश्री यातायात काठमांडू में। तो ये यहाँ से चलती है 10 बजे और वहाँ 1 बजे पहुँच जाती है, लेकिन 100% थोड़ा टाइम बढ़ गया कि चलता है, 3-4 घंटे का ओवरलैप आता ही आता है। रीज़न क्या है कि ट्रैफिक लंबा होता है, कई बार ट्रैफिक लग जाता है तो फिर आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप 1 बजे सोच के ना जाएं, आप ये सोच के चलें कि 3-4-5 बस जाएंगे। चलिए, ये मैंने आपको यहाँ पे बुकिंग करना सिखा दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।